बगैर स्वीकृति जारी हो रहे प्रशासनिक आदेश, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस रवैये पर आपत्ति जताई है। विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह को बाकायदा पत्रावली भेजकर आपत्ति जताई गई है। चिकित्सा मंत्री खींवसर की आपत्ति पर अब चिकित्सा विभाग सक्रिय हुआ है। चिकित्सा विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने भेजा है पत्र NHM MD RM SCL MD आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की CEO सभी निदेशक प्राचार्य संयुक्त निदेशक PMO CMHO को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह का स्थानांतरण पदस्थापन APO प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्था रिलोकेशन अतिरिक्त चार्ज समेत कई निर्देश जारी किए गए हैं। विकास शर्मा हमारे सहयोगी मासा जुड़े, विकास पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, चिकित्सा मंत्री के जरिए जो पत्र लिखा गया है ये सभी के लिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी तरफ से लगातार इस तरह की अवहेलना की जा रही थी और उस तरह का मामला खुद चिकित्सा मंत्री तक पहुंचा और उसके बाद में चिकित्सा मंत्री ने जो अपना पतावली भेजी उसमें बाकायदे से जिक्र किया गया है कि कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो की अपने स्तर पर ही स्थानांतरण पदस्थापन कार्य अन्य प्रशासनिक जो आदेश है वो जारी कर रहे हैं, उसको चिकित्सा मंत्री कार्यालय को सूचित भी नहीं किया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह खींवसर जो है उन्होंने अलग अलग जगह से मिली शिकायतों के आधार पर कड़ी आपत्ति जताई है। विभाग की सुधार सिंह जो है उनको पतावली भेजकर उन्होंने आपत्ति जताई है और इस आपत्ति के बाद में चिकित्सा विभाग भी सक्रिय हुआ। विभाग की संयुक्त शासन सचिव जो है निशा मीणा, उन्होंने पत्र भेजा है NHM MD RMSCL MD आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रक स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के CEO सभी निदेशक प्राचार्य संयुक्त निदेशक PMO CMHO को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का स्थानांतरण पदस्थापन APO प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्था रिलोकेशन अतिरिक्त चार्ज DDO पाउच में किसी भी तरह का प्रशासनिक आदेश अगर कोई जारी किया जाता है तो उसकी पहले चिकित्सा मंत्री से मंजूरी जरूर ली जाए। तो ये एक आदेश जो है वो सभी के लिए, क्योंकि जो आदेश निकाला गया उसमें चिकित्सा मंत्री के द्वारा भेजा गया पत्र जो है उसको भी अटैच किया गया है, जिससे पूरे चिकित्सा महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन ऐसे अधिकारी है जो कि चिकित्सा मंत्री को बगैर सूचना दिए सीधे ही प्रशासनिक आदेश जो है निकाल रहे हैं। जी ठीक है विकास, शुक्रिया जानकारी के लिए।